अगर आपको पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा पुलिस भ्रष्ट और संवेदनशील होती है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश की जिला महाराजगंज की पुलिस लगातार इंसानियत और मानव सेवा के लिए आम जनता में अपनी पहचान बना रही है। ताजा मामला जिले के थाना ब्रजमनगंज का है, जहां पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम ने इंसानियत और मानव सेवा का जीता जागता मिसाल पेश किया है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। थाना क्षेत्र में खंडवा मध्य प्रदेश से भटक कर आई एक 25 वर्षीय मंदबुद्धि महिला को गांव वाले बच्चा चोर समझकर पिटाई करने जा रहे थे। तभी ब्रजमनगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से ना उसकी जान बचाई बल्कि मध्य प्रदेश से उसके परिजन को बुलाकर युवती को एमपी पुलिस के हवाले किया। इसके साथ ही साथ बस्ती जिले भटक कर विचित्र युवक को उसके घर पहुंचाकर पुलिस ने एक बार फिर इंसानियत का परिचय दिया। तो आम जनता में पुलिस की छवि भ्रष्ट और संवेदनशील के रूप में जानी जाती है। वहीं पर ब्रजमनगंज थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम ने एक विचित्र युवती को, जहां गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर मारने पीटने पर आपदा हो रहे थे, उसे बचाकर थाने लाकर उसके घर का पता लगाकर उसके परिजनों को सौंपा, जिसकी गुमशुदगी भी मध्य प्रदेश के स्थानीय थाने पर दर्ज थी। वहीं पर बस्ती के एक भटक कर आए हुए युवक को भी उसके परिजनों तक पहुंचाया, जिसकी चर्चा क्षेत्र में हो रही है। शिव श्रीवास्तव के साथ महमूद आलम, डीबी भारती न्यूज, महाराजगंज। जानकारी चाहते हैं, आप भी सुने होंगे विगत कुछ दिनों से लोगों के मन में भ्रम सा था कि बच्चे चोर घूम रहे हैं क्षेत्र में, बच्चों की चोरी कर रहे हैं। इसी क्रम में एक महिला को बनगड़िया साइड में लोगों ने घेर रखा था और पुलिस को सूचना दिया कि ये बच्चा चोर है। पुलिस पहुंच के उसको सकुशल थाने पर लाई, विस्तृत जानकारी की गई तो वो बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, अपने गांव का नाम और थाना का नाम बता रही थी। उसके थाने से संपर्क किया गया, पता चला कि वहाँ पे उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है। मध्य प्रदेश के थाना पंधाना थाना है खंडवा जिले में, वहाँ थाने से कांटेक्ट किया गया। फिर वहाँ उसके परिजन और थाना के एक आरक्षी आकर उसको सकुशल अपने साथ ले गए। लोग अपने परिजन को देखकर परिजन को पाकर बहुत प्रसन्न भी की। अच्छा सर, एक युवक भी है बस्ती जिले का, एक युवक को भी सोना बंदी साइड में जो है उसको बच्चा चोर लोग समझ रहे थे, जबकि वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बबलू कुमार साहू इसका नाम था, थाना परशुरामपुर बस्ती का रहने वाला था, वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके माँ बाप मर चुके थे, सौतेली माँ थी, उसका किसी तरह से नंबर उपलब्ध कराया उसने। सौतेली माँ से कांटेक्ट किया गया तो आने में असमर्थता जाहिर थी, उसको भी थाने के स्टाफ के माध्यम से उसके घर सकुशल पहुँचाया गया। ठीक, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।